आज हम आप लोगों को एक रेसिपी सिखा रहे हो जो घर में जो रसगुल्ला जब गेस्ट आता है तो बहुत सारा रसगुल्ला लाता है तो एक बोरिंग हो जाते हैं खाते खाते, तो तीन चार रसगुल्ला बच ही जाता है या चार पांच रसगुल्ला बच जाता है। तो वो बचे हुए रसगुल्ला को लेकर हम क्या करें ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेरे फ्रिज में चार रसगुल्ला गिरा हुआ था तो फिर सोचे क्या करा जाए, और इसके लिए हम मिल्क दूध दूध उसको हम एक लीटर दूध को हाफ लीटर किए एक लीटर दूध हाफ लीटर इसको बॉईल करके रखे हैं। इसके लिए भी कुछ ज़्यादा जरूरत इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत क्या है ये गुड़ जगरी गुड़ या इसके बदले में चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको करना है क्या है आपको दूध मिल्क लेकर उसको आप पहले से उबाल कर रखिए। उबालने के लिए आप धीमी आँच में दूध को छोड़ दीजिए, आप काम करते रहिए और एक बार चलाते रहिए काम करते रहिए एक बार चलाते रहिए, इस तरह इस हो जाने से जल्दी से आपको दूध के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। दूध अपना अपना कम एकदम स्लो मीडियम स्लो फ्लेम में इसको छोड़ दीजिए, और बीच बीच में काम करते करते आप इसको चला दीजिए तो फिर इसके दूध का जलेगा नहीं। दूध ये उबाल जाने से जैसे हम इस पहले से उबाल कर रखे हैं, इसमें आप हाफ लीटर दूध है इसमें तीन चार चम्मच स्पून आप जगरी दे दीजिए। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें इसके लिए चीनी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा कम ही यूज़ कीजिए क्योंकि रसगुल्ला पहले से आपको रस में क्या रसगुल्ला क्या हुआ है रस में, तो इसको ज़्यादा चीनी का ज़रूरत नहीं है। तो ये आप इसको देखिए गुड़ अगर गुड़ या चीनी जो भी आप दे अपनी मर्जी इसको अच्छा से हिला दीजिए, जब गुड़ या चीनी मेल्ट हो जा रहा है तो ये रसगुल्ला को आप 20 से आप पूरा भी दे सकते हैं 20 से 4 पीसेस काट कर दे दीजिए। अच्छा से आपको रसगुल्ला का रसमलाई जैसे रसगुल्ला का खीर हो जाएगा। मेरा कोशिश ऑलवेज है मैं किचन में आप पहले आप जो लोग आप मेरे खाना देखे हैं बनाना देखे हैं मेरा कोशिश यही रहेगा कम से कम इंग्रेडिएंट्स में कम समय में घर में जो अवेलेबल चीज़ होता है उसी से आप थोड़ा टेस्टी कुछ बना देते हैं तो आपको क्या होगा टाइम भी सेव होगा और टेस्टी खाना भी मिलेगा। देखिए इस रसमलाई के लिए हमको कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत नहीं है, मिल्क सबको घर में अवेलेबल रहता है, गुड़ या चीनी सबको घर में अवेलेबल रहता है, नो कोई फ्लेवर हम नहीं दिए इसमें, और आपको चाहिए दो तीन रसगुल्ला जो आपको ज़रूरत नहीं है जो रोज़ बनाने के लिए, कभी आ गया घर में तो चार पांच रसगुल्ला गिरा हुआ रहता है फ्रीज में रखने से वो एक दिन दो दिन खाएं उसके बाद आपको टेस्ट भी नहीं लगता है, तो इसको लेकर आप अगर दूसरा कुछ बना लेते हैं तो आपको टेस्टी हो जाएगा। देखिए रसगुल्ला इस तरह फ्लेम आ जाएगा तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। इसके लिए क्या ज़रूरत है काम करते करते आप खाली दूध को थोड़ा सा उबाल लीजिए, मिल्क मेट का भी नहीं ज़रूरत है आप ज़रूरत नहीं है इसमें मिल्क मेट भी दीजिए। देखिए अभी रेडी टू सर्व है इसको